नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में कि विश्व में कहां कहां कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आज हम उन्हीं जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति एस्किमो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है विश्व की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग एस्किमो के बारे में बात करेंगे। एस्किमो, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसी प्रसिद्ध जनजाति है जो कि ठंडे इलाकों में रहती है, जो कि ग्रीनलैंड, अलास्का से लेकर के और बेरिंग स्ट्रेट तक फैली हुई है, जो साइबेरिया में है और रूस का अंतिम बिंदु है बेरिंग स्ट्रेट, वहाँ तक फैली हुई है। अलास्का, ग्रीनलैंड, अमेरिका से लेकर के और बेरिंग स्ट्रेट तक फैली हुई है, यानी कि टुंड्रा का जो भाग है उसमें हमें एस्किमोस देखने को मिलते हैं। एस्किमो साइबेरिया और कनाडा में भी काफ़ी भारी मात्रा में मिलते हैं। अगर हम मैप में देखें तो जो विश्व का मैप हमने देखा था पिछली बार, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो एस्किमोज हैं वो देखें आप, पूरे उत्तरी क्षेत्र में एस्किमोज फैले हुए हैं। ये पूरा ठंडा क्षेत्र है और ये पूरे ठंडे क्षेत्र में जो है वो एस्किमोज मिलते हैं। एस्किमोज को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इस भाग में अलास्का हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, कनाडा, उत्तरी कनाडा हुआ, इस भाग में इन्हें एस्किमोज के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया में इसको जो है समयवाइट्स के नाम से जाना जाता है, नीचे इसको तुंग्स के नाम से जाना जाता है, उसके बाद याकूत्स और चुकची भी इसका एक नाम है, एक प्रजाति का नाम है। तो पूरे के पूरे इस भाग में, ठंडे भाग में, आप मैप में देखें तो ठंडे भाग में, पूरे के पूरे भाग में हमको एक प्रजाति ऐसी मिलती है जो ठंडे इलाके में रहती है, जहाँ तापमान जो है -30 से भी अधिक होता है, शून्य से भी कई डिग्री नीचे होता है, वहाँ पर यह प्रजाति निवास करती है। और इस प्रजाति को मुख्य रूप से हम लोग एस्किमो के नाम से जानते हैं। और ये एस्किमो जो है ये पूरे के पूरे उत्तरी टुंड्रा भाग में, साइबेरिया भाग में, ठंडे भागों में हमको देखने को मिलता है। अगर हम एस्किमो की बात करें, आज का टॉपिक हमारा क्या है, एस्किमो है, तो हम एस्किमो को देख रहे हैं आज कि एस्किमो जो है वो किस किस, क्या क्या उसकी विशेषता होती है। आपको बताया कि एस्किमो जो है वो ठंडे क्षेत्र की जनजाति है, इसको इनुत, चिकचू, तुंग, युकागिर, याकूत, लैप्स इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है चुकची जो है साइबेरिया में कहलाते हैं, इन्यूस तुंग भी साइबेरिया के नीचे भागों में है, लैप्स जो है वो आपका जो स्कैंडिनेविया का कंट्री, स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया में इन्हें लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। एस्किमो का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, एस्किमो का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो बनता है कच्चा मांस खाने वाला। चूँकि ठंडे इलाके में रहते हैं, यहाँ ना आग है ना कुछ और साधन है खाना पकाने के, और काफ़ी समय से ये लोग जंगलों में और ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, इस इलाके तो ये कच्चा मांस खाते हैं, शिकार करके कच्चा मांस खाते हैं, और कच्चा मांस खाने का कारण ही इन्हें जो है वो एस्किमोज के नाम से जाना जाता है। इन्हें कई बार हम लोग स्नोमैन के नाम से भी जानते हैं, एस्किमोज द स्नोमैन, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्नो लाइंग एरिया में रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। और अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो ये हड्डी होती है, मुँह चपटा होता है, लंबे बाल होते हैं, कड़े बाल होते हैं, हस्तपुष्ट शरीर होता है, लगभग 160 सेंटीमीटर के आसपास इनकी हाइट होती है, और ये लगभग मंगोलियाई प्रजाति के नज़दीक मिलते हैं। जो मंगोलियाई प्रजाति की विशेषताएं हैं, लगभग उनमें से काफ़ी विशेषताएं इन एस्किमो से मेल खाती है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये मंगोलियाई प्रजाति के निकटतम संबंधी या निकटतम जनजाति कहलाई जाती है, जो मंगोलियाई प्रजाति के हिसाब से मानी जाती है। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग आज की डेट में 10 लाख से अधिक एस्किमो की जनसंख्या हमको इन ठंडे भागों में मिलती है, जो हमने मानचित्र पे देखा था कि ऊपरी ठंडे भागों में लगभग 10 लाख से अधिक की संख्या में एस्किमोज पाए जाते हैं, जो कि इस अत्यधिक कठोर क्षेत्र में
निवास करते हैं, बर्फीले क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि स्नोमैन भी कहा जाता है इन्हें, चूँकि ये लोग ठंडे और निर्जन इलाके में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि अगर हम उस दृष्टि से देखें कि एजुकेशन हो, स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। ये एक निर्जन इलाका है और ये लोग भी निर्जन इलाके में निवास करते हैं, और निर्जन इलाके में चूँकि और कुछ नहीं मिलता है तो ये अपने जीवन यापन के लिए शिकार का रास्ता अपनाते हैं। सभी जनजातियाँ जो कठोर इलाके में रहती हैं वो शिकार का रास्ता ही अपनाती हैं, और ये जो शिकार करती हैं, शिकार करके खाती हैं, लगभग 100% जो एस्किमोज़ हैं वो मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि यहाँ पर ना सब्जियाँ होंगी, ना फसलें होंगी, ना खेती होती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई कई फिट बर्फ़ पड़ी होती है और तापमान शून्य से भी 30-40 डिग्री के आसपास पाया जाता है, इसलिए संपूर्ण एस्किमोज़ मांसाहारी होते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करने के पास इनके पास कोई हथियार भी नहीं है, ना तो तलवार, ना कुछ गोली, ना बंदूक, ना कुछ और अत्याधुनिक हथियार होते हैं, तो इनके पास जो पुराने ज़माने के हथियार होते हैं जिन्हें ये लोग हारपून के नाम से जानते हैं। हारपून एक प्रकार का भाला है जो ये हाथ में लेके भी शिकार करते हैं, और अगर कोई शिकार दूर हो तो फेंक करके भी मारते हैं, तो वो जो इनका भाला है उसे ये लोग हारपून के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हारपून क्या है, हारपून क्या है कि एस्किमो का शिकार करने का यंत्र या औजार है जो एक भाला नुमा आकार का होता है, आगे से तीखा होता है, पीछे डंडा होता है, उसे हारपून कहा जाता है। जब ये शिकार करते हैं तो कई विधियों से शिकार करते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है और बर्फीला इलाका है तो शिकार इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, तो ये जो है अलग विधियों से शिकार करते हैं। इन विधियों के नाम से भी कई सवाल रखे होते हैं कि माउपोक से आप क्या समझते हो। माउपोक एस्किमोज की शिकार करने की एक विधि है जिसके शाब्दिक मायने हैं कि वह इंतज़ार करता है, ही इज वेटिंग या ही वेट्स, तो वो इंतज़ार करता है, उसे माउपोक कहते हैं। किस प्रकार का होता है कि इन्हें पता है कि सील मछली या जो ठंडे जमे हुए क्षेत्रों में जो मछलियां निवास करती हैं वो सांस लेने के लिए ऊपर आएंगी, तो ये बर्फ़ में एक छिद्र सा बना देते हैं और उसके चारों ओर उस छिद्र को घेर करके बैठ जाते हैं, उसमें हड्डी लटका देते हैं और थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लटका देते हैं, और ये देखते रहते हैं, उस हड्डी को इंतज़ार करते रहते हैं। जब कोई बड़ी मछली आकर के उस शिकार को पकड़ती है तो हड्डी हिलती है, तो ये अपने हारपून से उसका शिकार कर लेते हैं। तो कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है माउपोक विधि में, कि एक छिद्र करके और फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं मछली का, मछली आती है और उसके बाद ये शिकार करते हैं। दूसरी विधि जो है वो है इतवारपोक। इतवारपोक जो है वो विधि का मतलब है दो छिद्रों के सहायता से ये शिकार करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं कि जब जमा हुआ पानी होता है उसमें दो छिद्र कर देते हैं। एक छिद्र में तो ये मछली को ललचाने के लिए हड्डी या मांस का टुकड़ा डाल देते हैं, और दूसरे छिद्र में इनका दूसरा साथी हारपून लेकर के इंतज़ार करता है, हारपून लेकर के इंतज़ार करता है, और जैसे ही वो हड्डी का टुकड़ा हिलता है या शिकार के लालच में कोई मछली यहाँ पर आती है तो इसके दूसरे साथी जो हैं वो उस मछली का शिकार कर देते हैं। इस विधि से जब ये शिकार करते हैं तो इसे हम इतवारपोक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि इतवारपोक क्या है, इसकी व्याख्या भी करें और इसको क्या, इससे आप क्या समझते हो। तीसरी विधि इनकी है उतोक विधि। उतोक विधि क्या होती है कि गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है इनके द्वारा। जब गर्मियां होती हैं तो सील मछली और अन्य मछली समुद्र की भाग से निकल करके और थल भाग में आकर के धूप सेकने लगती हैं या धूप में बैठती हैं, और जहां पर ये लोग एस्किमो लोग इन सील मछलियों का या अन्य मछलियों का झुंड देखते हैं तो इनमें से कुछ लोग जो है वो ज़मीन के साथ लेट करके रेंग करके और धीरे धीरे उन मछलियों के समूह के पास पहुंच जाते हैं और फिर अपने हारपून से वार करके उन मछलियों का शिकार करते हैं। तो इस विधि को जो कि ये रेंग करके शिकार के पास पहुंचते हैं, लेट करके पहुंचते हैं, उसे हम उतोक के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए हैं कि शिकार करने की तीन विधियां इनके पास है, माउपोक है, इतवारपोक है और उतोक है। ये तीनों ही कंपटीशन में कई बार आ चुकी हैं और इनके तीनों के मायने क्या हैं वो भी आपको समझ आ चुके हैं। अब शिकार किसका करते हैं ये?
इस इलाके में चूंकि बर्फीला इलाका है, बर्फीला इलाका होने की वजह से कोई बहुत अधिक जानवर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, तो इनको मछलियाँ मिलती हैं, इनको सील मछली मिलती है, इनको कैरीबो मिलता है, एक हिरण प्रकार का, हिरण और कुत्ते के बीच का एक प्राणी है कैरीबो, रेंडियर है जो कि बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, कई सींग होते हैं और वो भी एक हिरण के प्रकार का जानवर होता है, सील है, वॉलरस मछली है, कई बार व्हेल मछली है, इसके अलावा जो भी मछलियाँ इनके आसपास पानी में मिलती हैं उनका ये शिकार करके खाते हैं। बेसिकली रेंडियर और करीबो जो है इनके बहुत काम आते हैं, ये इनको खाने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वॉलरस की खाल, सील की खाल, इनके भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं एस्किमोस। आपको पहले ही बता चुका है कि 100% तक मांसाहारी जनजाति है, इनमें शाकाहारी कोई नहीं होता क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर फसलें नहीं होती हैं। अब आ जाएं कि ये वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं। चूंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं तो इनके पास और बाज़ार से या आधुनिक दुनिया से काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए ये जो वस्त्र पहनते हैं ये वहीं लोकल मछलियों को, ये जानवरों की खाल को उतार करके उनको वस्त्रों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उन वस्त्रों को ये लबादे के रूप में ओढ़ते हैं और ये फर और सील और जो वॉलरस है उनके जो है वो कपड़ों का, उनकी खाल का जो है कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो खाल और फर इत्यादि का इस्तेमाल करके अपने कपड़े बनाते हैं और उनका ये लबादा प्रकार का ऊपर से पूरा ओवरकोट की तरह से इनका एक ड्रेस होती है जिसे तिमियाक भी कहा जाता है और ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे उनोहॉक भी कहा जाता है, उनोहॉक ऊपर के वस्त्र को, या तिमियाक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के इनके वस्त्र होते हैं। अब देखें आप घर किस प्रकार का होता है इनका। घर जो होता है सर्दियों में ये बर्फ़ का एक बहुत गोल सा जो है वो घर बनाते हैं, इस प्रकार की आकृति होती है जो कि ये बर्फ़ को जोड़ जोड़ के बनाते हैं जिसे कि इग्लू कहा जाता है। इस प्रकार की जो आकृति का इनका गुफा सी होती है, घर सी होती है, बर्फ़ का घर होता है ठंडे इलाके में, उसे ये इग्लू के नाम से जानते हैं। ये इग्लू बर्फ़ का घर होता है, इसके अंदर जो है ये सील की खाल या वॉलरस की खाल जो है उसका एक कवर बनाकर रहते हैं और सर्दियों में इस प्रकार के घर में ये निवास करते हैं जिसे कि इग्लू कहा जाता है। गर्मियों में ये इसी खाल का तंबू बना देते हैं, टेंट के रूप में बनाते हैं जिसे कि आपका ट्यूपिक कहा जाता है, ट्यूपिक कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अनेकों बार कंपटीशन में और आ रखे हैं कि इग्लू से आप क्या समझते हैं और ट्यूपिक क्या होता है। तो इग्लू क्या है, जो एस्किमोस घर बनाते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं जिसमें ये रेंग करके अंदर जाते हैं और पूरा का पूरा बर्फ़ का होता है, उसे हम इग्लू कहते हैं। और जो गर्मियों में ये खाल से तंबू नुमा आकृति का घर बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, उसे हम ट्यूपिक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो निवास होता है। फिर है वाहन। चूंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं, यहाँ पर कोई सड़कें नहीं है, कोई रेल की पटरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इस इलाके में आम जो परिवहन के साधन है वो काम में नहीं लाए जा सकते हैं। एक प्रमुख वाहन होता है स्लेज। स्लेज क्या करते हैं कि एक लकड़ी का आकृति होती है और इस प्रकार की लकड़ी की आकृति होती है जिसको इस तरह से इन्होंने बना रखा होता है, ऊपर थोड़ा सा मोड़ रखा होता है और इस आकृति में कोई टायर वगैरह नहीं होते हैं, कोई पहिया वगैरह नहीं होता है, बल्कि इसको या बर्फीले कुत्ते या रेंडियर इसको खींचते हैं। तो ये आगे रेंडियर बांध देते हैं इसके और खुद इसके ऊपर बैठ जाते हैं या सामान रखते हैं और ये बर्फ़ में फिसलता हुआ जाता है, इसे हम लोग स्लेज के नाम से जानते हैं। तो सामान सामून ले जाने के लिए ये स्लेज का उपयोग करते हैं। पानी में जब शिकार के लिए जाते हैं तो ये एक नाव का इस्तेमाल करते हैं जो कि लंबी नाव होती है जिसमें एक छेद बना होता है, उसमें एक या दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं, उसे कयाक के नाम से जाना जाता है। कयाक लगभग 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। तो कयाक क्या, और कयाक आजकल ओलंपिक्स और एशियाड में नाव में बोटिंग का कंपटीशन भी है जिसे कयाकिंग कहा जाता है। तो इस कयाकिंग में एक या दो व्यक्ति बैठकर ही चप्पू से खेलते हैं और पतली सी लंबी सी नाव होती है जिसे कयाक कहा जाता है। इसी प्रकार से उमियाक, नाव को जब कुछ स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं या स्त्रियों की सुविधा देखते हुए जो छोटी नाव बनाई जाती है उसे उमियाक के नाम से जाना जाता है। तो कयाक और उमियाक क्या है कि कयाक तो है नाव
लंबी नाव 6 मीटर के आसपास नाव, जिसको एक या दो पुरुष खेते हैं और शिकार करके, शिकार करने के लिए पानी में जाते हैं। इसी प्रकार जब महिलाएं जिस बोट को इस्तेमाल करती हैं उसका नाम है उमियाक। तो ये उमियाक कहलाता है। अब आप देखें कि समाज, चूँकि ये एक पिछड़ी हुई जनजाति है, ये एक ऐसी जनजाति है जो कि बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है, आधुनिकता या साइंस या विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, वैज्ञानिक जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, उनके जाने से थोड़ा बहुत इनमें आधुनिकता आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा आधुनिकता इनमें आई है हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इनका जो समाज है वो समाज में अभी तक टोना टोटका का इस्तेमाल किया जाता है। टोना टोटका इस्तेमाल करते हैं, जादू टोना हर जनजाति में इस्तेमाल किया जाता है, तो एस्किमो जनजाति में भी टोना टोटका का इस्तेमाल किया जाता है। समाज में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, जिसकी आयु सबसे अधिक है, उसका काफ़ी सम्मान किया जाता है। और अगर कोई विवाद होता है या कोई शिकार पर कहाँ जाना है, किसने जाना है, कौन सा दल जाएगा, शिकार की बांट करनी है या और कोई सामाजिक मुद्दे या सामाजिक विवाद हो जाते हैं, तब इस जनजाति में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो सबसे अधिक आयु वाला होता है, उसे सबसे ज़्यादा समझदार मानते हुए उनसे राय मशवरा किया जाता है और उनकी आज्ञा का पालन भी होता है। एस्किमो में बहुविवाह प्रथा भी है। बहुविवाह का प्रथा का मतलब है कि एक से अधिक शादियां करना, महिला या पुरुष दोनों ही जो है वे एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं और एक से दूसरे परिवार में आ जा भी सकते हैं। और एक जो मौन व्यापार, हालांकि ये मौन व्यापार पिगमीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मौन व्यापार का मतलब ये है कि आप व्यापार कर रहे हैं पर किसी से मिलेंगे नहीं। पिगमीज जंगल के बाहर जाकर बस्तियों के सीमा पर कुछ मांस या जंगल की कुछ प्रोडक्ट्स छोड़ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। गांव वाले वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसकी जगह नमक, मिर्च, मसाला, आटा, माचिस या अन्य प्रकार की जो आधुनिक वस्तुएँ वो वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो ना तो इसमें देने वाला दिख रहा है ना लेने वाला दिख रहा है। जनजाति गांव के बाहर छोड़ के चली जाती है, गांव वाले वो सामान उठा लेते हैं और उसके बदले में कुछ और सामान रख देते हैं, जनजाति जाती है वो सामान उठा करके जंगलों में ले आती है। तो ये मौन व्यापार है, ना किसी से बात हुई, ना भाव हुआ, ना कोई भाव मोल तोल हुआ है, ना हमने किसी को देखा है, हमने सामान रख दिया, अगले ले गए, उन्होंने उस कीमत का सामान वहाँ पर रख दिया, हम वापस जा करके ले आए, मुलाकात भी नहीं हुई, इसे मौन व्यापार कहते हैं। तो कुछ हद तक मौन व्यापार जो है वो एस्किमो प्रजाति में भी देखने को मिलता है, जो एक्सचेंज करते हैं सामान का। चूंकि ये लोग इस निर्जन इलाके में रहते हैं और समुद्र के आसपास रहते हैं, तो समुद्र इनके लिए बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है या बहुत आदरणीय चीज़ है या बहुत सम्मानीय चीज़ है, तो समुद्र का ये बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि समुद्र से ही इनकी जीविका चलती है। सेदना, सेदना क्या है कि वो समुद्र की देवी है जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये बहुत मानते हैं और ये मानते हैं कि ये देवी जो है ये समुद्र की तली में निवास करती है और हम पर अगर सेदना देवी का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग जो हैं वो भोजन भी मिलता रहेगा, सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और सारा कुछ जो है वो समुद्र की देवी सेदना की कृपा से हो रहा है। तो इस समाज में, एस्किमो समाज में सेदना देवी को बहुत अत्यधिक मान्यता मिलती है। ये जनजाति काफ़ी समय से, लगभग हजारों वर्षों से, सात आठ हज़ार साल से इसी इलाके में निवास कर रही है और आधुनिकता से इसका कोई दूर दूर का नाता नहीं है। लेकिन चूंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है और वैज्ञानिक जो है वो बार बार रिसर्च करने के लिए ऐसे इलाकों पर जाते हैं, कनाडा के हों, अमेरिका के हों, एशिया के हों, यूरोप के हों, वो इन इलाकों में बार बार जा रहे हैं और इनके आने जाने से, इनके संपर्क में आने से अब एस्किमो जनजाति भी थोड़ी सी आधुनिक हो गई है। कनाडा के बहुत से एस्किमो जनजातियों में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें शराब की लत है, सिगरेट की लत है, नशा है, तंबाकू है और अत्याधुनिक जो औजार हैं उनका इस्तेमाल वो लोग करने लगे हैं क्योंकि वो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आए हैं। जैसे जैसे ये आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आते रहेंगे वैसे वैसे इनकी तरक्की होती रहेगी और ये जो है प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। फिलहाल एस्किमो जो है वो एक पिछड़ी हुई जनजाति है जो भौगोलिक कारणों की वजह से पिछड़ी हुई है और वो लगभग ठंडे इलाकों में निवास करती है। तो आज बस इतना ही। आज हमने देखा विश्व की प्रसिद्ध जनजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में।
अगले किसी वीडियो में हम किसी अन्य जनजाति या अन्य किसी टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।